आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे घर की कई विशेष बातें जिन्हें जानकर आपको मजा आना गारंटीड है। दुनिया का सबसे महंगा घर दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है एंटीलिया, जो कि ओन करते हैं श्री अंबानी जी। एंटीलिया दोस्तों 4 लाख स्क्वायर फीट में बना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 4 लाख स्क्वायर फीट का घर है अंबानी का, जिसकी कीमत है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा। इस घर में 27 मंजिलें बनी हुई हैं दोस्तों, और हर मंजिल अपने आप में एक बेमिसाल मंजिल है। एक्चुअली दोस्तों, मंजिल की अगर हाइट हम लोग हमारे नॉर्मल घरों से, जहां पर छतों की हाइट आमतौर पर 9 से 10 फीट की होती है, उससे कंपैरिजन करें तो करीब करीब अंबानी जी के घर की 60 मंजिलों के बराबर बैठता नॉर्मल घरों के कंपैरिजन में। पर क्योंकि अंबानी जी बड़े आदमी हैं, तो इनकी जो फ्लोर की छतों की हाइट है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है, मतलब काफ़ी ऊंचाई वाली छतें हैं अंबानी जी के हिसाब से। दुनिया के सबसे महंगे घर के मेंटेनेंस के लिए 600 लोगों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अंबानी जी के घर की छत पर दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 हेलीपैड्स हैं। शायद ये मुंबई के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। घर का नाम एंटीलिया क्यों रखा गया दोस्तों, चलो इसको भी आपको बता देते हैं। एंटीलिया दोस्तों अटलांटिक महासागर में एक रहस्यमय आइसलैंड है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 15वीं शताब्दी तक इस तरीके का एक आइलैंड एंटीलिया होता था। इस आइलैंड की खास बात ये थी कि इस आइलैंड में जो कुछ भी आप मांगते हैं, जो कुछ भी आप इच्छा करते हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। इसी लॉजिक के बेसिस पर अंबानी जी के घर का नाम एंटीलिया रखा गया है। मुकेश अंबानी जी को क्योंकि मूवीज देखने का वास्तव में बहुत शौक है, इसीलिए एक फ्लोर को डेडिकेटली एक थिएटर के रूप में कन्वर्ट किया गया है, जहां पर लग्जरी 50 सीटर थिएटर का सेटअप किया गया है। अंबानीज का और उनकी कारों का प्यार पूरी दुनिया जानती है, और इसके लिए अंबानी जी ने एंटीलिया की 6 फ्लोर को डेडिकेटेड किया है सिर्फ कार्स के लिए, और एक फ्लोर को रिजर्व किया गया है सिर्फ कार की सर्विसेज के लिए। अंबानी जी काफ़ी आस्तिक हैं, इसीलिए एक फ्लोर को उन्होंने डेडिकेटली एक पूजा का फ्लोर बनाया हुआ है। इस फ्लोर में दोस्तों जिस तरीके से हमने करण जौहर की कई मूवीज़ में देखा है कि एक ग्रैंड टेम्पल होता है, उस तरीके का एक टेम्पल सेट किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एंटीलिया का दोस्तों हम आपको अब एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर बताएंगे, जो हम गारंटी देते हैं आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। जो एंट्रेंस गेट है दोस्तों एंटीलिया का, उसमें इस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है कि घर के अंदर की जितनी भी कार हैं, लगभग 168+ कार्स हैं, उन सब का सारा डेटा उस सिस्टम में फीडेड है। अगर कोई स्ट्रेंज कार घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो अलार्म सिस्टम बज उठते हैं। कोई भी अननोन गाड़ी गेट पर आकर रुकती है तो वहाँ पर वेइंग मशीन भी लगी रहती है, जिसकी वजह से लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गाड़ी का नॉर्मल वेट ही है या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेट लाया गया है। अगर किसी भी तरीके का अटैक होता है एंटीलॉप के ऊपर, तो सिक्योरिटी सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग लॉक हो जाएगी दोस्तों, और कोई भी घर से बाहर या कोई भी बाहर का व्यक्ति घर से अंदर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों अच्छे दर्शकों की तरह आप भी लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। एंटीलिया को इस तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों कि अगर भूकंप भी आता है जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 या उसके आसपास की होती है, तो भी ये घर उस भूकंप को सह लेगा। अब फिर से दोस्तों बात करते हैं इस घर से जुड़ी एकमात्र कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। देखिए दोस्तों, 2002 में भी मुंबई के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन को पाना बहुत ही मुश्किल था, वो भी साउथ बॉम्बे में। तो ऐसे में जिस ज़मीन पर दोस्तों ये बना हुआ है, वहाँ पर क्रिम्बॉय इब्राहिम ख्वाजा यतीम खाना नाम का एक यतीम खाना था, जिसमें कुछ बच्चे रहते थे। तो जब उन लोगों को डिसलोकेट किया गया था, तो उस समय ये एक बहुत बड़े विवाद की वजह बना था। मुकेश अंबानी जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी मुफिन एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों इस लैंड को $70 मिलियन में खरीदा था, और खरीदने के कुछ दिनों के बाद ही इसकी कीमत 15 गुना बढ़ चुकी थी दोस्तों। आज की डेट में जिस जगह पर एंटीलिया स्थित है, वहां पर ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुकी है, और वैसे भी जहां पर दुनिया का सबसे महंगा घर होगा, उसके आसपास की ज़मीनों की कीमत बढ़ना तो लाजमी ही है दोस्तों। अब आपके लिए दोस्तों सवाल ये है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके का इतना महंगा घर किसी आदमी को बनाना चाहिए था या नहीं। प्लीज़ आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरीके के और अमेजिंग वीडियोस के लिए दोस्तों
जो आपको इस समय प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है राइट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप अमेजिंग वीडियो की एक लिस्ट खुलेगी जिसे आप ज़रूर देखिए। आपका बेहतरीन और ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन हम गारंटी करते हैं कि होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।